वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी का इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव बयान आया है। उनका कहना है कि सपा में कुछ विभीषण लंका दहन कराना चाहते हैं, लेकिन उन विभीषण को ठिकाने लगा दिया गया है। इरफान सोलंकी के मुताबिक आज शाम तक समन्वय बनाकर एक लिस्ट आ जाएगी, जिस पर नेताजी, शिवपाल और सीएम अखिलेश को ही फैसला करना है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में या हम कहें कि समाजवादी परिवार में तकरार चल रही है, जो अंतर कलह थी वो खुलकर सामने आ गई है, कि आपको लगता है कि खास तौर पे आप जैसे विधायकों को, जिन्हें जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें, और आपके द्वारा जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक और यहाँ से करीबन 1993 से इस परिवार का सदस्य भी हूँ। पहले मेरे पिताजी दो बार विधायक रहे, उनके बाद दूसरी बार मैं, अब तीसरी बार मुझे दोनों की लिस्ट में जगह मिली। ये ऊपर वाले का एहसान है, क्योंकि परिवार और एक विश्वास जो हमने उस परिवार में दिखाया है, यानी वफादारी दिखाई है, उसका आज नतीजा। और मेरे जैसे बहुत से ऐसे विधायक हैं जो दोनों लिस्ट में है, मैं बधाई देता हूँ ऐसे विधायकों को भी, क्योंकि जो भी हैं आज मेरी पहचान है मुख्यमंत्री जी से, नेताजी से, सुपार जी से, हम तीनों को एक ही मानते हैं और तीनों बिना मेरा जीवन अधूरा है। देखिए, जो बात सत्य है, जो भी परिवार में हो रहा है आपके द्वारा, हम क्या पूरी दुनिया देख रही है, ये जो हो रहा है वो एक बहुत छोटी सी एक कहावत है कि माजी ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वो होता है कि कभी कभी बीच के लोग ऐसे हो जाते हैं जो गलत बात को बताते हैं, और जो एक कहावत नहीं है, विभीषण जो होते हैं उसी ने लंका ढा दी थी। लेकिन आपने कहा है कि विभीषण ने लंका ढा दी थी, इस पूरे एपिसोड में विभीषण कौन है, आपको क्या लगता है? देखिए, विभीषण तो बहुत से आए, आप ही द्वारा दिखाई भी दिए। अब जो है, मेरा तो ये हक भी नहीं है कि मैं किसी को विभीषण कहूँ या किसी का नाम लूँ, क्योंकि हमने अभी जैसे बताया कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा नेताजी की राजनीति का अनुभव है, माननीय सुपाल जी का अनुभव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव है, तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। पर हाँ, मुझे ये मालूम है कि आज जो मुझे दोनों लिस्ट में नाम मिला है, मैं आपके द्वारा उन नेताओं को भी बताना चाहता हूँ जो परिवार के लिए एक रहेगा। बिल्कुल, तो विधायक साहब का साफ तौर पर कहना है, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि सामंजस्य बनाकर एक लिस्ट तैयार की जाएगी और जिसमें सभी की सहमति होगी, लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि कुछ विभीषण जरूर आए थे जिन्होंने लंका ढहाने की कोशिश की थी, वो विभीषण कौन थे, समाजवादी पार्टी का उच्च नेतृत्व और आप तय करिए। कैमरामैन सुशील बहल के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस।